समुद्र का शैतान देवारा की कहानी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम एक हाई लेवल की मीटिंग दिखती है मिनिस्टर और पुलिस के बीच। मिनिस्टर कहता है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है हमारे यहाँ, लेकिन उस इवेंट पे एक बड़ा खतरा है, येती और दया जो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। और खतरा इतना बड़ा था अगर दोनों को नहीं पकड़ा जाता तो इवेंट ही कैंसिल करना पड़ेगा। येती पे शिवम नाम का ऑफिसर रिसर्च कर रहा था, वो कहता है मैं 3 साल में उसे 4 बार पकड़ने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन वह हर बार हाथ से बच जाता है ऊपर से आए हुए ऑर्डर की वजह से। मिनिस्टर कहता है पुरानी चीजें भूल जाओ, हमें वो हर हालत में चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, शिवम येती को पकड़ने के लिए अंडरकवर था। उसे येती के खास आदमी के बारे में पता चलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला था, और पुलिस वालों ने उसे वादा किया था उसे जान का कोई खतरा नहीं होगा। और येती का आदमी आता है, शिवम आता है, उस आदमी की गर्लफ्रेंड मारी जाती है और बड़ी मुश्किल से शिवम येती के आदमी को पकड़ता है और बहुत मारता है, हद से ज्यादा टॉर्चर करता है। और उसे येती का आदमी बता देता है कि येती मुर्गा की मैयत में गया है, और शिवम बाद में मुर्गा का पता लगाता है तो उसे पता लगता है वो इल्लीगल वेपन का डीलर था जो समुद्र के रास्ते में माल स्मगल करता था। डीएसपी तुलसी के साथ मिलके शिवम तुलसी के पास स्मगलर बन के जाता और कहता है तुमने मुर्गा के साथ बहुत काम किया है, मेरे साथ करो, मैं बहुत पैसा दूंगा। तुलसी शांत था, उसका पैर टूटा हुआ था, उसके चेहरे पे चोटों के काफी गहरे निशान थे। वो कहता है इस समुद्र पे मेरा और मुर्गा का नहीं 4 गांव का राज है, अगर तुम्हें डील करनी है तो ये सब तुम भैरवा से करो, और कहता है सावधान रहना वो खतरनाक है। और तुलसी को पता चल गया था ये शिवम पुलिस वाला है, और शिवम भैरा से मिलता है। भैरा काफी गुस्से में और सदमे में था। शिवम कहता है उसे माल स्मगल करवाना है, वो अंधे पैसे देने के लिए तैयार था। भैरवा मना कर देता है, शिवम जान से मारने की धमकी देता है। भैरवा उसे और उसके आदमी को आसानी से पकड़ता है और कहता है तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है, मेरे समुद्र में आके मेरे को ही मौत की धमकी दे रहा है तू। और शिवम को जाना पड़ता है, और भैरवा ये काम कर सकता था इसलिए शिवम सिंगप्पा नाम के आदमी से बात करता है, उसकी गांव में इज्जत थी, सब उसको बहुत मानते थे। सिंगप्पा शांत आदमी था और शिवम भैरवा को मनाने के लिए कहता, सिंगप्पा बोट पे उसे ले जाता है। शिवम उसे भी पैसों को लालच देता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। उसके पास एक डायमंड की रिंग थी, वो कहता है देखो ऐसे ही बहुत सारी अंगूठियां मैं तुम्हें दे दूंगा। सिंगप्पा वो अंगूठी समुद्र में फेंक देता है। शिवम बिना सोचे समुद्र में रिंग लेने जाता है, लेकिन वो बहुत सारी लाशें देखता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है और वो फौरन बाहर निकल के आता है। सिंगप्पा कहता है अंगूठी के लिए बिना सोचे तुम समुद्र में कूद गए, लेकिन बिना अंगूठी लिए समुद्र से बाहर आ गए, इसको कहते हैं खौफ। शिवम डर गया था, बाद में पूछता है ये किसकी लाशें हैं, क्या हुआ था यहाँ पे। सिंगप्पा कहता है तुम्हें इस जगह का इतिहास जानना होगा, और इतिहास उस डर का जिसे समुद्र अभी तक कांपता है, देवारा। और सिंगप्पा बताता है इस टापू के गांव के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में कि यहाँ धर्म जाति नहीं चलती, यहाँ के पूर्वज हमेशा से सिर्फ डर की भाषा जानते थे, उन्हें मरने मारने के अलावा कुछ नहीं आता था। यहाँ काफी लोगों ने राज करने की कोशिश की लेकिन कोई भी यहाँ के लोगों को काबू नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ सिर्फ इन्हीं गांव का कानून चलता है। लेकिन देवारस गांव का समुद्र का डर बना जिसने राज किया। और सीन पास्ट में जाता है, तुलसी और मुर्गन प्रे कर रहे थे, उनका माल स्मगल होने वाला था। फिर हमें इस सीन में देवारा दिखता है जो शिप पे चढ़ता है और अपने लोगों के साथ, और उसके लोगों में भैरवा भी था, वो सारा इलीगल माल चुपके से अपने आदमियों के जरिए छोटी छोटी बोट में ले जा रहे थे। कस्टम ऑफिसर रेड मारने आए थे लेकिन देवारा और भैरवा चुपके से बच जाते हैं, वो दोनों पकड़े जाने वाले थे। भैरवा सारे कस्टम ऑफिसर को मारने के लिए तैयार था लेकिन देवारा उसे भी समुद्र में धक्का देता है और कूदता है खुद भी, और दोनों बचते हैं। और भैरवा अपने गांव के छोटे उम्र के बच्चों को भी इस काम पे ले जाता था, देवारा मना करता है लेकिन भैरवा नहीं सुनता। सब गांव वाले आपस में बांटते हैं पैसे, देवारा की माँ परेशान थी उसके लिए, वो हमेशा उसका रात भर जाग के इंतजार करती थी। देवारा की माँ उसे कहती है बेटा मैंने तेरे पापा तेरे खानदान सबको अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, सब मरे हैं मेरी आंखों के सामने, मैं नहीं चाहती कि तू भी मरे, मैं तुझे हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ। देवारा उदास होता है, उसे अपने काम से डर लगता था। रात में वो अपने बेटे बरा को अपने खानदान की वीरता की कहानी बताता है कि उसके पिता देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते थे, और यही बरा को सुनना भी पसंद था। देवारा और गाँव के इसी काम की वजह से गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे थे। एक लड़का और उसकी माँ देवारा को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से लड़का बाहर पढ़ने जा रहा था। वो कहता है मैं बाहर से पढ़ के आके यहाँ स्कूल खोलूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। देवारा खुश होता है। बाद में बरा और भैरवा के बेटे आपस में बात करते हैं, शस्त्र पूजा आ रही है, शस्त्र कौन जीतेगा।
हर साल दीवारा ही जीतता है, उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। बहरवा के बेटे को गुस्सा आता है, वो वरा से लड़ता है, जबरदस्ती उसे मारते हुए कहता है, मेरे पापा ही जीतेंगे इस साल शस्त्र प्रतियोगिता। और बाद में दीवारा कहता है, हम चार गांव हैं, आपस में लड़ने से अच्छा हर साल हर गांव को मौका दे शस्त्र ले जाने का तो कैसा रहेगा। बहरवा गुस्से में कहता है, हमारे पूर्वज पागल थे क्या, जो लड़के जीतते थे उनका मजाक मत बनाओ। दीवारा कहता है, रहपा के गांव को कभी शस्त्र नहीं मिले, उसे दे देते हैं ना इस साल। बहरवा गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें उसे इतना ही शस्त्र देने का शौक है तो शस्त्र प्रतियोगिता जीत के दे दो। और प्रतियोगिता स्टार्ट होती है, बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन जब बहरवा आता है वो जीतने लगता है। उसके बाद दीवारा आता है और दोनों की फाइट बहुत लंबी चलती है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। सुबह हो जाती है, लास्ट में बहरवा के अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। दीवारा उसे उठाता है और कहता है, दीवारा ने मांग लिया तो समझो कह दिया। बाद में वो रायप्पा को शस्त्र दे देता है ले जाने के लिए उसके गांव, और रात में सपना देखता है जहां समुद्र लाल था, कई लाशें थी उसके आसपास, और दीवारा डर जाता है। वो सुबह जोगुला नाम की लेडी से मिलता है, उसे अपना सपना बताता है। वो लेडी कहती है, अब ये दिन शुभ नहीं है तुम्हारे लिए, किसी पर भरोसा मत करना, धोखा मिलने वाला है, सतर्क रहो। उन्हें भविष्य देखना आता था। और दीवारा बाद में जो लड़का दीवारा के गांव से पढ़ने जा रहा था वो बस में था, और बस में टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो लड़का मारा जाता है। लड़के की माँ बहुत रोती है और कहती है, इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देती, कम से कम जिंदा तो रहता। दीवारा को भी काफी बुरा लगता है। मुर्गा तुलसी के साथ आता है, उसका माल आने वाला था, वो इस बार ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन दीवारा मना करता है क्योंकि उसके सपने की वजह से, और अभी चेकिंग ज्यादा भी चल रही थी, पिछली बार वो बड़ी मुश्किल से बचे थे। बहरवा बात नहीं मानता, वो कहता है, जिसे नहीं आना वो ना आए, मेरा गांव तो जाएगा, बाकी गांव वाले भी तैयार थे। दीवारा उदास था, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन रायप्पा कहता है, अगर तुम जाओगे तो हम पक्का वापस आ पाएंगे। और रायप्पा के मनाने के बाद दीवारा को चलना पड़ता है। वो जाते हैं रात को, लेकिन वो इस बार बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं, और ऑफिसर सबको पकड़ के कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या स्मगल करते हो, बॉम्ब, गन, ग्रेनेड, हथियार, सारे लीगल वेपन। और तुम्हें पता है इसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जानें जाती है। और कस्टम ऑफिसर बताता है कि जो अभी वो बस वाला हादसा हुआ, लुटेरों ने यही बंदूकें इस्तेमाल करी थी, और जो तुम्हारे गांव के बच्चे की जान गई वो भी समझो तुम्हारी वजह से ही गई थी। मैंने अपने पिता से कहानियां सुनी थी कि जब भी इस देश पे खतरा आया था तो तुम्हारे पूर्वजों ने मदद की थी देश की, लेकिन अब तुम खुद खतरा बन गए हो देश का। ऐसा लगता है पुरानी सारी कहानियां झूठी थी, या तुम अपने पूर्वजों के खून भी नहीं हो। दीवारा को बुरा लगता है, उसे पता नहीं था वो ये सब स्मगल कर रहा था, और बाद में ऑफिसर को पता चलता है उसे बेटी हुई है। ऑफिसर पहले तो खुश होता है, पर फिर वो कहता है, पता नहीं जहां पे ऐसे शैतान खुले घूम रहे हैं वहां मेरी बेटी कैसे जिएगी। बहरवा ऑफिसर पे चाकू से हमला करता है, जिसकी वजह से सारे लोग सबको मारने लगते हैं। दीवारा सोचता है वो अपने लोगों को मारता है और रोकता है, बहरवा के गले में चाकू लगाता है, बहरवा और सब भागते हैं। दीवारा कस्टम ऑफिसर को कहता है, आपको अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना होगा। और दीवारा कहता है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस समुद्र से कोई माल स्मगल नहीं होगा, किसी मासूम की जान इस समुद्र की वजह से नहीं जाएगी। और दीवारा भागता है, दीवारा परेशान था, बहरवा और बाकियों को फर्क नहीं पड़ रहा था। और दीवारा गुस्से में मुर्गा से कहता है, इस बॉक्स में क्या सामान है। मुर्गा कहता है, मैंने हमेशा कहा है ना तुम्हें जितना पैसा चाहिए बताओ, पर ये मत पूछो इस बॉक्स में क्या माल है। दीवारा गुस्से में कहता है, मुझे जानना है। बहरवा कहता है, छोड़ दो। दीवारा नहीं मानता और तुलसी कहता है, हाँ, गन्स, बॉम्ब्स, इलीगल वेपन है। दीवारा कहता है, आज से सब काम नहीं होगा किसी भी तरह का। मुर्गा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, बोलो ना तुम्हें कितना पैसा चाहिए। दीवारा दोबारा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना अब ये सब काम नहीं होगा। बहरवा कहता है, फिर हम क्या करेंगे, हमें समुद्र पर राज करना है। दीवारा कहता है, यहाँ ये सारे काम बंद। बहरवा का आदमी दीवारा को मारने आता है, दीवारा उसे मारता है चाकू से और कहता है, अगर किसी ने भी गलत काम करने की कोशिश करी समुद्र में, हिम्मत दिखाई ये सब करने की, तो मैं वो डर बनूंगा जिससे सब कांपेंगे। वो सारा माल फेंकने जाता है, बहरवा और बाकी सब रोकते हैं, लेकिन दीवारा अकेले ही सारा माल डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, दीवारा ने अगर मांगा तो समझो कह दिया। तुलसी मुर्गा कुछ नहीं कर पाते। दीवारा कहता है, आज से हम सिर्फ मछलियाँ ही पकड़ेंगे, आज से सिर्फ हम समुद्र से सिर्फ मछलियाँ ही स्मगल करेंगे। सब हैरान होते हैं, कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करता, और जो गलत काम करने की कोशिश कर भी रहा था दीवारा उन्हें रोक रहा था और मार रहा था। सबके अंदर खौफ भर गया था, बहरवा भी दीवारा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और दीवारा उस लड़के की माँ से रोते हुए माफी मांगता और कहता है,
तुमने कहा था ना अगर वो हमारे साथ रहता तो जिंदा रहता, लेकिन हमारे ही काम की वजह से आज उसकी मौत हुई है। मुझे पता नहीं था हमारे पापों की सजा ऐसे मिलेगी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ अब कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। मैं वो डर बनूंगा जो सबको डराएगा। रायप्पा की बहन सुसाइड करने वाली थी समुद्र में कूद के, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी इसलिए उससे कोई शादी नहीं कर रहा था। भैरवा अपने भाई की शादी करवाने के लिए मान जाता है। रायप्पा खुश होता है। भैरवा ने प्लान बना रखा था शादी में देवारा को मरवाने का। उसने मुर्गा के साथ मिलकर काफी गुंडे बुला रखे थे देवारा को मारने के लिए। रायप्पा देवारा को शादी में इनवाइट करता है। रायप्पा की छोटी बेटी वो देवारा को हीरो मानती थी, और भैरवा प्लान करता है। उसके आदमी कहते हैं तुम हमें फैमिली नहीं मानते क्या, चलो ड्रिंक करते हैं। और देवारा करता है, और उसमें नशे की चीजें मिला रखी थी इन लोगों ने। और बाद में भैरवा प्लान कर रहा था वो कैसे देवारा को मारने वाला है। रायप्पा सब कुछ सुन लेता है। भैरवा उसे धमकी देता और कहता है अगर तूने देवारा को बताया तो तेरी बहन की शादी रोक दूंगा और सुबह वो सुसाइड कर लेगी। अब या तो तेरी बहन मरेगी या देवारा, चुन ले किसे बचाना है तुझे। रायप्पा टूट जाता है। उसे ना चाहते हुए भी देवारा को झूठ बोलना पड़ता कि कुछ लोग गलत काम करने के लिए समुद्र में जाने वाले हैं। देवारा नशे में था फिर भी वो जगह पे जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और गुंडे उसे मारने आते हैं बहुत सारे, लेकिन उसके मुंह पे पानी की बूंद गिरती है जिसके चलते वो उठता और सबको मारता है। समुद्र उसके सपने की तरह खून से लाल हो जाता है। वो लाशों पे बैठा हुआ था और सुबह भैरवा इतनी सारी लाशें देख के हैरान हो जाता है। और तभी गांव का लीडर मरते हुए कहता है देवारा मर गया या उसने सबको मार दिया, और वो मर जाता है। सब हैरान थे, वहां बस लाशें ही थी और देवारा ने खून से लिखकर कहा था तुम लोगों को मुंह से बोली बोली समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ रही है। अगर भगवान दिखते तो कोई उनसे डरता नहीं, उसी तरह मैं भी गायब होऊंगा और वो डर बनूंगा जो तुम में कभी हिम्मत नहीं भर पाएगा। और किसी ने भी गलत काम करने की कोशिश करी समुद्र में वो गया, मैं वापस जरूर आऊंगा। अब मैं वो डर बनूंगा जो सिर्फ तुम्हें डराएगा, दिखेगा नहीं, आखिरी चेतावनी सबको। और सीन प्रेजेंट में आता है। शिवम कहता है क्या ये वही लाशें थी। चिंगप्पा कहता नहीं, और अब क्या होगा, भैरवा क्या करेगा और देवारा कैसे सबको डराने वाला है, आपको मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जो जल्दी आने वाला है।